ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे ही क्लास का भी आता है। क्लास का पहला शब्द आता है शी, सी फॉर क्लेवर, होशियार बनना। दूसरा शब्द आता है यल, यल फॉर लेजी, आलसी। कई बच्चों को सबसे अच्छी घंटी कौन सी लगती है? लाश की। वो घंटी बजते ऐसे दौड़ेंगे, अगर गिर भी गए तो भी उठ के दौड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है जेल से हमारी छुट्टी हो गई। स्कूल कोई जेल नहीं, जितना पढ़ते पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। इसलिए जितना यहाँ पढ़ेंगे मेहनत करेंगे, जो यहाँ मेहनत करता भविष्य में अच्छा रहेगा, जो यहाँ मौज मस्ती करता हो जीवन भर में मेहनत करता है। इसलिए आलसी कभी नहीं बनना है पढ़ाई के लिए। आगे का शब्द आता है ये, ए फॉर एब्सेंट, वो बैठा ही क्लास में, बुद्धि कहीं बाहर भटक रहे, अब मैं जाऊंगा, वो सीरियल चल रहे होंगी, वो क्रिकेट चल रहा होगा, किसका विकेट कितना गया होगा, उसका विकेट आपका भी विकेट जाएगा। इसलिए आप अपने विकेट का ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, टीचर जो पढ़ा रहे ध्यान से, बुद्धि प्रेजेंट, मतलब केवल शरीर से प्रेजेंट नहीं रहना, बुद्धि से भी प्रेजेंट। मैं कई स्कूलों में देखता हूँ बच्चे बैठे स्कूल में लेकिन वहाँ से गायब है, बुद्धि कहीं मन भाई उनको पता ही नहीं चल रहा कि स्कूल में हो क्या रहा है। इसलिए ध्यान से सुनना, बुद्धि लगा करके सुनना, इसको कहते हैं। आगे का शब्द आता है यस, यस फॉर स्लीपिंग। कई तो ज़्यादा खाना खा के आते हैं, नींद करते हैं, और कई क्या साइलेंस में बैठते हैं। लास्ट का शब्द यस, यस फॉर साइलेंस। बनना क्या है? सी, यल को भी सी बनना है, ए को भी सी बनना है, एस को भी सी बनना है, लास्ट के एस को भी सी बनना है। क्लेवर बनो, होशियार बनो। इसी तरह स्कूल का भी अर्थ है, स्कूल मतलब यस, यस फॉर सैक्रिफाइस, त्याग की भावना। जहाँ त्याग की भावना सिखाई जाती है उसको कहते हैं स्कूल। अभी मैं कुछ दिन पहले सिक्किम में गया था तो एक माता जी आई थी, उसके साथ एक बच्ची भी आई थी। तो कहते मेरी बेटी एक महीने से स्कूल में नहीं जा रहे। हमने कहा क्यों? कहते वो कहते मेरी सभी सहेलियों के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, तो मुझे भी 15,000 रुपये का मोबाइल चाहिए तब मैं स्कूल में जाऊंगी। आज मोबाइल कोई स्कूल की ज़रूरी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं मैं, हमारी इतनी गरीबी है, हम मोबाइल कैसे ले सकते हैं? तो देखो बच्चे एक दूसरे को देख करके, इसलिए आज के बच्चों में त्याग की भावना की कमी है। आज कई बच्चों को मम्मी पापा मैं देखता हूँ सवेरे सवेरे जल्दी उठा करके, पिताजी तो देरी से आए हैं, रात को 10 बजे 11 बजे दुकान से आए हैं, और सोते सोते 12 बज गया तो भी बच्चे को छोड़ने के लिए सवेरे सवेरे बेचारा बिना स्वेटर पहने ठंडी में स्कूटर पे आकर के बच्चों को छोड़ के गए हैं, और बच्चा क्लास में बैठा है, माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए गए हैं। वो क्या पढ़ रहा है? बाजू वालों को चिमटी ले रहा है, कई बाहर जाकर के दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हैं। अपने मम्मी पापा की कदर करना। हमारे मम्मी पापा इतनी महंगाई में, इतनी गरीबी, हमें क्या बनाना चाहते हैं? इसलिए अच्छी संगत रखना, त्याग की भावना रखना, वो है स्कूल। आगे का शब्द आता है यस, सी, सी फॉर कैरेक्टर, जहाँ चरित्र सीखते हैं वो है स्कूल। आगे का शब्द आता है यस, सी एच, एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी सीखना। जहाँ ईमानदारी सीखते हैं वो है स्कूल। जिसने ईमानदारी नहीं सीखी, हमें जो माँ बाप ने जो काम दिया है, जो टीचरों के तरफ से काम मिला है, उसको ईमानदारी से सच्चाई से करना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो ईमानदारी रखता है वो भविष्य में भी एक अच्छा इंसान बन कर जाता है। आगे का शब्द आता है वो फॉर ऑबिडेंटी, आज्ञाकारिता, माँ बाप की आज्ञा, टीचर की आज्ञा, जो आज्ञा प्रमाण चलता है वो है स्कूल। आगे के शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। जो स्कूल पढ़ने के बाद बच्चों में आशावादिता का गुण है वो है स्कूल। लास्ट का शब्द आता है यल, यल फॉर लॉ, ये सारे जीवन के लिए लॉ बन जाते हैं, कायदे बन जाते हैं। चाहे त्याग की भावना, चाहे चरित्र की चरित्रवान बनना, चाहे ईमानदारी, चाहे आज्ञाकारिता, ये सब जीवन के लिए लॉ बन जाते हैं, और वो एक अच्छा इंसान बनकर के समाज में जाता है, इसको कहते हैं स्कूल। ऐसे स्टूडेंट का भी आता है, स्टूडेंट का पहला शब्द आता है यस, यस फॉर सैक्रिफाइस, जो त्याग की भावना है वो है स्टूडेंट। आगे का शब्द आता है यस, टी, टी फॉर ट्रस्टी, जो आना सकता है, जिसकी आसक्ति कहीं भी ना हो, ना खाने पीने में आ सकते हो, ना दोस्तों के साथ आ सकते हो, कहीं भी आना सकता हो स्टूडेंट, एस टी डी, डी फॉर डेडिकेशन,
जो जिसके अंदर समर्पण भाव है वो है स्टूडेंट। जो काम मिला हमें दिल से करना, ईमानदारी से करना, उसको कहेंगे स्टूडेंट। उसके बाद आगे का शब्द आता है यू, यू फॉर यूनिटी, एकता, जिसके अंदर एकता है वो है स्टूडेंट। एस टी यू डी, डी फॉर बताया डेडिकेशन, एस टी यू डी ई फॉर इनर्जेटिक, जो ऊर्जावान है वो है युवा, वो है स्टूडेंट। उसके बाद एन, एन फॉर नोबिलिटी, जिसके अंदर सज्जनता है वो है स्टूडेंट। और टी, टी फॉर टॉलरेंस, जिसके अंदर टॉलरेंस पावन है वो है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का अर्थ ये है। तो इसी तरह ये अगर ये शब्द भी जीवन में लाएंगे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।